आलू में सिर्फ छिलका उतारा है मैंने। और अब हम ये ग्रेटर लेंगे, तो ग्रेटर की जो ये वाली साइड है मीडियम साइड, आप देख रहे हैं ये बहुत महीन होगा, इससे बहुत मोटा, और ये जो मीडियम वाली साइड है इससे हम इन आलूओं को घिस लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों आलू जो है वो घिस लिए इस तरह से। और अब हम एक बाउल लेंगे और इन आलूओं को इस तरह से जो है हाथ से अच्छे से स्क्वीज करेंगे, जिससे कि इसका जो स्टार्च है वो थोड़ा निकल जाए, और इस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने आलू इसमें ट्रांसफर कर लिए हैं। इस बाउल में हम एक बार फिर से पानी डालेंगे, अच्छे से इसको पानी से भर दें आप। और अब हम एक छन्नी लेंगे और बाउल में लगाएंगे, और इस तरह से सारा जो आलू का लच्छा है वो इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे छन्नी में, देखिए। और अब इस बाउल में हम कपड़ा लगा देंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें आप इस तरह से। और ये जो आलू का लच्छा है जो कि हमने छन्नी में डाला था, इसको फिर से निचोड़ के एक बार कपड़े पे डाल देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस से मैंने आलू का ऑलमोस्ट सारा स्टार्च निकाल दिया है। और बस अब हम एक बार क्या करेंगे, इस कपड़े में आलू को अच्छे से निचोड़ देंगे, जिससे इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो निकल जाए। तो हम इस पानी को भी हटा देंगे, और अब हम अपना आलू का जो लच्छा है वो कपड़े से निकाल के इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो हम इसमें डालेंगे फ्रेश मिर्ची, बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालें, हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी आपके पास हो, आधा कप। महीन कटा प्याज, बिल्कुल महीन कटा, छोटा छोटे टुकड़ों में, आधा कप। महीन कटी हरी धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, इससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन के। इसमें डालेंगे नमक और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आलू का जो है सारा स्टार्च क्यों निकाल दिया है। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये जो हमारा नाश्ता है बहुत क्रिस्पी बनेगा अगर आप स्टार्च हटा देंगे, और दूसरा ये कि अगर आप इसका स्टार्च रखेंगे तो ये बहुत गीला हो जाएगा, और अब जब आप इसमें बेसन मिलाएंगे तो इतना ज्यादा मिलाना पड़ेगा कि सिर्फ बेसन और बेसन का टेस्ट आएगा। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है अब हमें, तो इसको हाथों से मिलाएंगे एक्चुअली हम, जिससे कि जो आलू है वो जो अपना पानी छोड़े उसे बेसन एब्जॉर्ब कर ले और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। इसमें इस टाइम पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑप्शनल है, आपका मन नहीं है तो ना डालें। इन सभी को बहुत अच्छे से अब हमें बस मिक्स करना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से, मैं इसको होल्ड कर पा रही हूँ और इसके इस तरह के बॉल बना पा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हाथों में लेंगे और इस तरह से इसे एकदम चपटे चपटे से मतलब पैनकेक टाइप के बना देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए अब हम इनको इस तरह से शैलो फ्राई करना है हमें, तो हल्के गर्म तेल में डालेंगे, बहुत तेज गर्म तेल में ना डालें। तो आप ध्यान रखिएगा इनमें नमक तभी मिलाएं जब आप इनको बिल्कुल बनाने वाले हो। अगर आप पहले से नमक मिला देंगे तो जो हमारा आलू का मिक्सचर है वो बहुत सारा पानी छोड़ देगा और आपको बहुत एक्स्ट्रा बेसन मिलाना पड़ेगा। तो बस अब हमें सेकना है दोनों साइड से जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत कम तेल में तैयार होने वाला नाश्ता है, क्रिस्पी टेस्टी, जरूर बनाइएगा एंड आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।